आज देखिए फिर से एक बार स्टॉक्स विच आर फ्लाइंग हाई, इसमें सारे एविएशन स्टॉक्स को आप देखिए, काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। अच्छा मूव सारे ही स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जिस पर अच्छा मूव है। इसमें एक तो गैमन है जो कि 16% ऊपर है, स्टोर वन रिटेल आज भी 10% ऊपर, राणा शुगर्स 7% ऊपर है, जयंत एग्रो 5.5% ऊपर, भारती डिफेंस 5.5% ऊपर, सिटी केबल करीब 6% ऊपर है। कुछ और काउंटर्स जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, इसमें प्रेसिजन कैमशाफ्ट है जो कि करीब 4% ऊपर है, और साथ ही टाटा कम्युनिकेशंस, इसे अगर आप देखें तो यहाँ पर मूव अच्छा है। नेस्ले करीब 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, हालांकि उन्होंने जो कहा है वो 25 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। ऑलरेडी ये काउंटर इनफैक्ट जो मैगी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद लो हिट हुआ था वहाँ से ठीक ठाक ऊपर इस समय करीब 0.5% ऊपर। लेकिन मूव एविएशन के बाद और एक स्पेस जहाँ पर मूव है वो है लॉजिस्टिक्स पर। इसमें आप देखिए लेड बाय गति जो कि करीब 3.5% ऊपर है, 158 के आसपास। स्नोमैन और एक काउंटर है जहाँ पर अच्छा मूव इस समय देखने को मिल रहा है। बाकी सारे ही स्टॉक्स आप देखिए, चाहे VRL हो, AGs हो, ये सारे हरे निशान में इस समय ट्रेड करते हुए। मार्केट ने खुलने के बाद 8257 का हाई तो ज़रूर हिट किया, लेकिन वहीं पे खुलने के बाद वहाँ से तुरंत नीचे आ गया, 8250 के पार खुला था। अब जो गेनर्स हैं इसमें, एक तो तलवरकर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 0.5% ऊपर है, गेल करीब 0.25% ऊपर है। इसके अलावा हिंडालको, ONGC, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। M&M करीब अच्छी तेजी दिखाते हुए इस समय, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। सुब्रमण्यम क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप? आई थिंक भीर यहाँ पर जहाँ तक इंडेक्स का सवाल है, डेफिनेटली 8300 के आसपास ये एक मुनाफा वसूली आने की संभावना है, वहाँ तो उस आसपास अभी तक पहुँचे नहीं है। लेकिन मेरा मोमेंटम ओवरऑल आई थिंक पॉजिटिव रहनी चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन के चलते हमने ऑलरेडी बढ़त देखी है, तो जहाँ पर अच्छी खासी बढ़त मिले वहाँ पर आई थिंक मुनाफा वसूली का मेरी तरह से सलाह रहेगी। सुब्रह बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। एक बार जरा टॉप ट्रेडेड काउंटर्स की ट्रेजेक्टरी को देखता हूँ। आज वॉल्यूम्स जनरेट कौन, देखिए एक फ्लैट ओपनिंग एक ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा बाजार होता है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो तो रहता कुछ नहीं है। एक फ्लैट ओपनिंग एक ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी ओपनिंग होती है। आप देखिए आज रिलायंस कम्युनिकेशन स्ट्राइक कर रहा है विद वॉल्यूम्स। टेक्निकली लीस्ट रिस्क बेस्ट रिवॉर्ड, लेकिन तय करिएगा, इस पर नजर रख के चलिएगा। सुजलॉन वॉल्यूम जनरेट करता हुआ आज तीसरे पायदान पे 1760, दो दिन की सॉफ्टनेस के बाद कल की खबर के बाद आज थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। और अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है, जेट एयरवेज डूइंग वेल लगभग 2% ऊपर, और देखिए अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी खराब नहीं हुआ है, इस पर नजर रखिएगा। गति जैसे कि मिहिर ने कहा है, एक बार फिर से मोमेंटम जनरेट करता हुआ बाजार, हम कल बात भी कर रहे थे मिहिर, बाजार को रोज बरोज एक नई खुराक चाहिए। सब कुछ ओवर हो गया उसके बाद आप क्या, आज देखिए उन्होंने लॉजिस्टिक्स पकड़ लिया। उसके बाद DLF 138-135 पे कल के मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ। हरी DLF ने जो 138-70 पे, मैं तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से भी देख रहा हूँ और फंडामेंटल प्रोस्पेक्टिव से, मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से भी देख रहा हूँ, हर पैरामीटर पे अच्छा लग रहा है इसने। आप देखिए बाजार मार्च के ऑनवर्ड्स कितना वोलेटाइल रहा, आपने 6825 से ऑलमोस्ट आप देखिए पहले देखा 75, फिर 78, फिर 82, फिर 83, 8081 फिर 8081, और फिर हम ऑलमोस्ट 8300 स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन ये कितना स्टेबल काउंटर रहा है, और मैं एक बार बता दूं आपको, ये ऑलमोस्ट अक्टूबर के बाद अब तक के अपने सबसे सर्वोच्च स्तर पे है, और नो डाउट कि ये 52 हफ्तों का हाई भी स्ट्राइक कर दे। हरी आपका टेक क्या है इस प्राइस पे? नहीं देखिए, जहाँ तक रियलिटी स्पेस का सवाल है, DLF कंटिन्यूस टू बी आर लार्जेस्ट पिक। इसके दो तीन मूल कारण हैं। पहला तो ये एक ऐसा रियल एस्टेट स्टॉक है जो कि काफ़ी हद तक अपने डेट को पे ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, एंड दे ऑल्सो बिन सक्सेसफुल। दूसरा, इनका जो रेंटल सब्सिडरी है इसकी वैल्यूएशन लगभग वो $2 billion का हुआ है, विच विल ऑल्सो बी यूज टू पे ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ द डेट। सो आई थिंक ये दो चीज़ इनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा जो रीट्स के अनाउंसमेंट आई है, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की अनाउंसमेंट आई है, आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर DLF टू मोनेटाइज इट्स प्रॉपर्टीज। फिलहाल उनके पास कोई एवेन्यू नहीं है प्रॉपर्टीज को मोनेटाइज करने का, पर यदि रीट्स का आई थिंक एक फुल फ्लेज्ड अप्रोच आ गया, तो आई वुड बिलीव दैट DLF शुड बेनिफिट सब्सटैंशियली। तो डेफिनेटली इवन एट दिस लेवल्स मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक को डेफिनेटली खरीदा जा सकता है। बिल्कुल,
इस बीच एम्फेसिस और माइंडट्री दोनों पर अच्छा मुंह है, 1.5% ऊपर एम्फेसिस है, माफ कीजिए 2% ऊपर, और माइंडट्री पर करीब 1.5% का मुंह है। इसके अलावा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, ये और एक काउंटर है जो कि 1.5% ऊपर है, IGL 1.5% ऊपर, के इन इंडिया, इपका, सन टीवी, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है आज। इनफैक्ट महानगर गैस, ये क्योंकि आज इसका IPO ओपन हो रहा है, तो आप देखिए ओवरऑल जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े जो काउंटर्स हैं उन पर भी मूव अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्विकली नताशा, ये जो मिड कैप के गेनर्स मैंने बताया है, इसमें आपके रडार पर है कोई स्टॉक? जो स्टॉक्स आपने मेंशन किए उनमें IT स्पेस डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है अगर आप उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए, क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट उनका जो है वो स्टेबल हो गया है, ठीक है, अब उतना डिटेरियोरेशन नहीं हो रहा है जितना पहले की हो रहा था। उसके अलावा जो करेंसी में मूवमेंट आया है और जो करेंसी में मूवमेंट एक्सपेक्टेड है उसका भी बेनिफिट उनको मिलेगा। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में ऑफकोर्स मार्जिन प्रेशर रहेगा क्योंकि वीज़ा कॉस्ट आते हैं और वेज हाइक्स आते हैं, बट अगर आप वो रिस्क आप इंक्लूड कर भी लीजिए और प्राइस इन कर भी लीजिए तब भी इस वैल्यूएशंस पे IT पैक जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। बिल्कुल। खैर चलिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है, अभी आप स्क्रीन पर दृश्य देख रहे थे, और जी पीडिया कॉन्टेस्ट आज इस मौके पर चल रहा है जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। तो जी पीडिया कॉन्टेस्ट में जो 9 बजे का सवाल है वो ये है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, ए 16, बी 10 या फिर सी 12। आपका जो भी जवाब हो आप हमें भेज सकते हैं, आपको ZPB लिखकर स्पेस देना है और उसके बाद अपना जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ए बी या सी वो लिखकर हमें SMS कर देना है 57575। और अगर आपका जवाब सही साबित होता है, आप लकी विनर साबित होते हैं, ऑब्वियसली यू स्टैंड टू गेट अ प्राइज। तो नजर रखिएगा इस सवाल को। वीरेंद्र कितने आसन होते हैं ऐसे? 12। अच्छा 12 होते हैं। मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ 12 होते हैं। आप यहाँ नहीं बाहर डेफिनेटली दिखा सकते हैं। मैं कौन सा यहाँ कर रहा था? मेरे साथ दिक्कत यह ना मैं कि मैं आसन सारे कर लेता हूँ, लेकिन जितने आसन करता हूँ उससे ज्यादा मैं खाना खा लेता हूँ। अच्छा, दिक्कत यह है मेरे साथ। बाकी आप तो हरिद्वार से हैं, पतंजलि की नगरी, तो पतंजलि को मैंने देखा है। जब पतंजलि बहुत शुरुआत में, अब तो खैर वो रुड़की के पास काफी आ गए हैं, बड़ा सा ऑन बोर्ड उनका कैंपस है, बहुत छोटे से शुरुआत की थी उन्होंने कणखल से, तो वाकई मैंने इनकी साइकिल को देखा है। और लोग कहते थे कि बाबा रामदेव उस वक्त साइकिल पे जाया करते थे पैसे जमा कराने एक बैंक में, छोटे से बैंक में, और आज देखिए वो क्या है, 20,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर की बात कर रहे हैं। खैर ये भी एक एग्जांपल है अच्छा, अगर आप देखें एक सन्यासी और उन्होंने कैसे मार्केट किया योग को और आज की तारीख में वो सबसे सफल कॉर्पोरेट बन गए, मानते हैं इस बात को? मैम बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता है इसमें तो। एंड वो एक जो कमिंग बैक टू रूट्स वाला जो एक उन्होंने जिसे कहते हैं मीडियम यूज किया। अरे आप करते हैं क्या योगा? नहीं, मैंने कुछ सालों पहले ट्राई तो किया था, पर आई थिंक उसके बाद फाउंड इट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड डिसिप्लिनिंग, तो छोड़ दिया था मैंने। एक बाबा रामदेव की CD आती है हरी, कभी ट्राई करिएगा उसको, उसको ट्राई करके डेफिनेटली आप देखा है देखा। जी जी जी, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक दो स्टॉक्स वो देखिए जो अब आके आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर सकते हैं। सरप्राइज करने वाले एलिमेंट में आप देखिए एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन 168.40 पर लगभग 1.5% ऊपर। अगर आप इस वक्त कहीं पुल बैक ढूंढ रहे हैं, एक डिसेंट पुल बैक ढूंढ रहे हैं, तो इस स्टॉक पे नजर रखिए चलिएगा। क्यों? मई लास्ट वीक से लेकर टिल डेट के बीच में जितने भी अगर आप देखें एक रेंज थी प्राइस के, उसके हायर एज को ये काट रहा है 168.40 पर। हरी, इनफैक्ट आपका इंटरेस्ट है इसमें? एक पुल बैक ट्रेड REC ये 10-12-15 रुपए की गुंजाइश दे देता है, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, डेफिनेटली मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक एज अ ट्रेड ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। देखिए ये स्टॉक में हमेशा एक डिविडेंड यील्ड या आर्ग्यूमेंट रहता है, बिकॉज इसकी डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव है, तो जब भी ये स्टॉक थोड़ा भी डिप होता है तो डेफिनेटली एक बाउंस आ जाता है। तो एक ट्रेडिंग के नजरिए से डेफिनेटली फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 185-186 ये स्टॉक को खरीदा जा सकता है। फंडामेंटली मुझे कोई स्ट्रॉन्ग केस तो नहीं लग रहा है, पर यस एज अ ट्रेडिंग बेट विद अबाउट 10-12% अपसाइड आई थिंक डेफिनेटली ये स्टॉक को देखा जा सकता है। REC में आप देखिए एक पुलबैक विजिबल है, नजर रख के चलिएगा इस पे। बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं आज
जिन स्टॉक्स पर अच्छा मूव है इसमें ये जो गैस रिलेटेड काउंटर्स हैं नताशा, आज क्योंकि मान अगर गैस का आईपीओ ओपन हो रहा है सो ऑब्वियसली यू नो थोड़ा एक्शन रहेगा, चाहे वो गुजरात गैस हो, आईजीएल हो, इवन गेल फॉर दैट एक्सटेंड, बिकॉज गेल इज़ अ पार्टनर महानगर गैस का जो जॉइंट वेंचर है उसमें. इन पर आपका क्या व्यू है एंड साथ ही आईपीओ पर? देखिए जो महानगर गैस का आईपीओ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर आप कंपनी का फंडामेंटल्स देखिए कि उनका इट्स अ सोल ऑपरेटर इन मुंबई, रायगढ़ का उनको लाइसेंस मिला है जिससे कि उनको इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिलेगी, इसके अलावा जो उनका सोर्सिंग ऑफ नेचुरल गैस है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसेस पे है, हिस्टोरिकली हेल्दी फाइनेंशियल्स रखे हैं, डिविडेंड भी अच्छा पे आउट है, तो ओवरऑल काफ़ी अट्रैक्टिव आईपीओ है, डेफिनेटली उसके वो सब्सक्राइब करना चाहिए फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, और चीपर भी है आईजीएल और गुजरात गैस दोनों ही से, और डिस्पाइट हैविंग बेटर रिटर्न्स ऑन नेटवर्क, तो डेफिनेटली उसको अप्लाई करना चाहिए. चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स आप देखिए, बजाज फिनसर्व यहाँ पे तेजी अच्छी है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर एक थोड़ा सा अगर आप देखिए डिसेंट मूव है, बहुत अच्छा मूव नहीं है, ब्लिस जी वेस्ट फार्मा लगभग 4% ऊपर. मैं कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था, कोई ट्रेड मिले सुबह सुबह तो बात करें उस पर, नॉट एग्जैक्टली अब तक अगर आप देखें दीपक फर्टिलाइजर्स को देख सकते हैं आप 120 पे, लेकिन अब तक अगर आप देखें जो भी हमने स्टॉक्स देखे उसमें एक REC अब तक बड़ा ठीक ठाक तरीके से खड़ा हुआ है. ड्रेजिंग कॉरपोरेशन आज लगभग 2% ऊपर है, आज सुबह हरी ने अपना इस पर एक मैंडेट भी दिया था, गति अब डे हाई को स्ट्राइक करता हुआ, और कुछ स्टॉक्स में GSFC 1% ऊपर, गुजरात की पावर पोर्ट लगभग 1% ऊपर, और मेटल्स में लगभग 2% ऊपर हिंडालको मिहिर. जी हाँ बिल्कुल, चलिए प्रदीप होटचंदानी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं. मिस्टर होटचंदानी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. आज ऑब्वियसली थोड़ा सा जो संकेत है मार्केट साइडवेज रहने का है, एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा है, इंडेक्स ज़रूर 8250 के पार निकला लेकिन उसके बाद बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए. पहले तो इंडेक्स पर अपनी राय दीजिए, ये अब ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का गैप 8250 के लेवल से बना चुका है नीचे की तरफ, क्या लग रहा है आज निफ्टी? देखिए एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव ले तो 7715 जो मई में बॉटम हमने देखा था वहाँ से एक 7.5% की रैली देखी थी जो 8295 तक निफ्टी को लेके गई थी. अब 8243 हमने बताया था कि एक पूरा जो फॉल 9119 लेके 6825 का फॉल है उसका एक 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है और उसके आसपास हम थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट भी कर रहे थे. तो इस ये जो पूरा रैली हमने देखा था मई के लो से जून के बिगिनिंग में तो उसका एक 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा था 8070 पे, तो उसी के आसपास हमने निफ्टी को कंसोलिडेट हुए देखा. पिछले हफ्ते तीन बार वहाँ से बाउंस बैक भी आया तो उस लिहाज से 8070 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है. ऊपर की साइड में जैसे मैंने बताया 8243 एक मेजर हर्डल है, उसी के आसपास आके निफ्टी को एक थोड़ा रेजिस्टेंस भी मिल रहा है. ब्रेक्जिट वोट सर पे है तो मेरे हिसाब से ये जो रेंज है वो नेक्स्ट वीक ही टूटेगी, फ्राइडे को ही हमको डिसाइसिव मूव मिलेगा, और इस वीकली क्लोजिंग में अगर निफ्टी 8243 के ऊपर निकल जाता है, वीकली क्लोज देता है, तो उसके उसको एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा और उस केस में नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट आएगा वो 8650 का आएगा जो कि 52 वीक हाई है निफ्टी का. तो फॉर द टाइमिंग एक पॉजिटिव बायस ज़रूर है निफ्टी पे, पर एक ब्रेक्जिट वोट के चलते एक जो ओवरहैंग है और 8243 का मेजर हर्डल खड़ा है तो उसके लिहाज से हम थोड़ा सा एक कॉशियस व्यू लेंगे. यहाँ पे नज़दीकी सपोर्ट है 8150 पे आ रहा है निफ्टी के, उसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड जरूर से की जा सकती है, 8243 के डिसाइसिव क्रॉसओवर का वेट रहेगा.